नमस्कार, मामास मील किचन में आपका स्वागत है। पनीर ब्रेड बाइट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले चटनी बनाएंगे। हरी चटनी के लिए हमने धनिया लिया है, ये करीब 2 कप हैं। 1 कप हमने पुदीने का लिया है। 2 मीडियम साइज़ के हमें प्याज चाहिए। 2 नींबूओं का रस हम निचोड़ लेंगे। 3 हरी मिर्ची चाहिए। 1 छोटा टुकड़ा हमें अदरक का चाहिए। ये 2 चम्मच के करीब हमारे पास 2 बड़े चम्मच गुड़ है और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर नमक का डालेंगे। अब मिक्सी के जार के अंदर हम सबसे पहले ये पुदीने की पत्तियाँ डाल देंगे। ये जो प्याज है इसको हम मोटा मोटा काट के डाल देंगे। ये हरी मिर्ची है ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये अदरक है इसको भी मोटा मोटा काट के हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारे पास धनिया है, इसको हम इसकी जो डंडियां हैं हम इसके साथ ही जो नरम वाली डंडियां होती हैं धनिया के अंदर हम उसको भी इसके साथ ही पीस देंगे। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक हमने करीब 1/4 चम्मच छोटा वाला डालना है। गुड़ हम 2 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। नींबू का रस भी हम इसके अंदर निचोड़ देंगे। अब हम इस चटनी को पीस लेंगे। ये चटनी जो है हमारी पीस चुकी है, इसको हम अब निकाल लेंगे। ये मेरे पास 4 ब्रेड स्लाइस है, ये आटे वाली ब्रेड है, आप इसकी जगह कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। ये फ्रेश पनीर के स्लाइस हैं जिसको मैंने ब्रेड के साइज़ के हिसाब से ही काट लिए हैं। उतना ही हमने मोटा इसको रखना है और इसको साइज़ भी हमने ब्रेड के जितना ही रखना है। ये हम 3 बड़े चम्मच बटर के ले लेंगे। ये लहसुन की कलियां हैं ये 4-5 हम ले लेंगे। इसको बारीक हमने क्रश कर लेना है और इस बटर के अंदर मिक्स कर देना है। इस बटर को हम हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। ये हमने जो चटनी बनाई थी ये 4 बड़े चम्मच हमें चटनी के चाहिए। ये फन एंड फूड की मेयोनीज के हमने 4 बड़े चम्मच लिए हैं। ये नमक और लाल मिर्च है, इसको हम पनीर के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। इसको हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है। इन स्लाइस के ऊपर हल्का हल्का हम नमक लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी मिर्च लगा देंगे। इसको हम अच्छे से फैला देंगे। ये इस तरह से नमक और मिर्च हम थोड़ी थोड़ी लगा के इस पनीर के ऊपर फैला देंगे। अब ये हमारे पास ब्रेड के जो स्लाइस हैं इनके हम एजिस को काट देंगे। अब इस ब्रेड के ऊपर हम ये मेयोनीज को लगाएंगे। ये हमने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह से मेयोनीज को लगा दिया है। अब ये पनीर है जिसके ऊपर हमने नमक मिर्च लगाया था उसके उल्टी साइड पर हम ये ग्रीन वाली चटनी लगाएंगे। ये चटनी आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अब ये जो हमने ब्रेड के ऊपर मेयोनीज लगाई थी और ये पनीर है जिसके ऊपर हमने चटनी लगाई थी, ये हम इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे। ये नमक और मिर्ची वाली साइड हम ऊपर की तरफ कर देंगे और चटनी वाली साइड हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब हम नॉन स्टिक एक तवा लेंगे, उसको गैस के ऊपर हल्का गरम करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे और ये ब्रेड स्लाइस हम इसके ऊपर रख देंगे। ध्यान रहे जो फ्लेम है बिल्कुल हम कम रखेंगे। अब हम इसके इस तरफ भी बटर लगा देंगे। लो फ्लेम पर ही हम इसको पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये ब्रेड की इस साइड पे हम हल्का हल्का बटर और लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो सके। ये हमने अच्छी तरह से इसके गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। हल्का सा हम इसको प्रेस कर सकते हैं लेकिन हल्का हल्का हम करेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे।
कितना अच्छा कलर आया है। ये उधर से जब तक ब्राउन होता है हम दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये हमारा तवा बहुत बड़ा है। अब हम दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर डाल देंगे। हम इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको हमने डार्क करना है कि जल जाए। ये हमारा इस तरफ से ब्रेड बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। अब इसको हम उतार देंगे, बस पनीर की साइड को हमें थोड़ा सा और पकाना है। अब इसके भी दूसरे स्लाइस के भी हम साइड को पलट देंगे। ये हमारा जो है ब्रेड स्लाइस पक चुका है, इसको हम अब उतार लेंगे। दूसरे वाले स्लाइस की भी, ये दूसरा वाला भी हम जो स्लाइस है इसको भी हम पलट देंगे। ये हमारा अभी थोड़ा सा कच्चा है, ये पनीर वाली साइड, हम इसको एक बार फिर पलटेंगे। ये वाला हमारा जो है स्लाइस तैयार हो चुका है, इसको हम उतार लेंगे। ये हमारे पनीर ब्रेड बाइट्स जो है तैयार हो चुके हैं, इनको हम अब काट लेंगे इस तरह से। चाहे तो हम इसके और छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। इसको हम इसी तरह से गरम गरम सर्व करेंगे। इसको हम इस तरह से टूथपिक भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ये हमारी पनीर ब्रेड बाइट्स तैयार है। इसको हम किटी पार्टी में या कोई भी गेट टुगेदर हो तो हम इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बनानी भी आसान है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है।